मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने सजा को चुनौती देने के लिए 30 दिन की सजा जो है वो स्थगित कर दी, यानी 30 दिन के अंदर राहुल गांधी चाहे तो चुनौती दे सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी की टीम की तरफ से कहा गया कि अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे फैसले को चुनौती देने के लिए। 30 दिन का राहत जो है, वक्त जो है, वो राहुल गांधी को दिया गया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद चारों तरफ की चर्चा हुई थी कि क्या प्रधानमंत्री को टिप्पणी करने के लिए उन्होंने सभी पर कटाक्ष कर दिया जिनका सरनेम मोदी है। यह मामला 2019 का है। कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी मोदी सरनेम पर बयान देते हुए नजर आए थे। इसके बाद विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी समुदाय के अपमान का केस दर्ज करवा दिया था। राहुल की 4 बार सूरत कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को अपील के लिए जमानत दी गई है और 30 दिनों का वक्त जो है वो दिया गया है सेशन कोर्ट की तरफ से। इसके बाद राहुल की टीम कह रही है कि अगर राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला राहुल गांधी को लेकर सजा का ऐलान, 2 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। जमानत हालांकि मिल गई है, बेल मिल गई है, लेकिन सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और मानहानि केस में दोषी माना गया। और इसी खबर पर मेरी सहयोगी गोपी इस वक्त जुड़ रही हैं। गोपी, मानहानि केस में राहुल गांधी को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन सेशन कोर्ट का दोषी मानना, यह कितनी बड़ी खबर हो जाती है? 2 साल की सजा का ऐलान कर देना, उसके बाद बेल की प्रक्रिया, आगे वो जाएंगे वो सारी प्रक्रिया एक तरफ, लेकिन पहला सवाल, यह कितना बड़ा डेंट और कितना बड़ा मौका विपक्ष को देगा जो राहुल गांधी पर निशाना साधेंगे कि इस मामले में वो दोषी करार दे दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए इस मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी को दोषी करा दिया गया है, 2 साल की सजा का अनाउंसमेंट किया गया है, साथ ही राहुल गांधी इस वक्त बेल पर रिहा हम कहेंगे क्योंकि उनको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है। 30 दिनों का कोर्ट ने टाइम दिया है इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम कहेंगे क्योंकि 2 साल सजा होना और वो भी मानहानि जैसे मामले में, ये कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए एक हम कहेंगे कि बड़ी खबर हो रहेगी। और वैसे में राहुल गांधी जो कि लगातार, क्योंकि पिछली 3 बार यहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी आए थे, और अब जब आज कोर्ट ने फैसला सुनाया उस वक्त राहुल गांधी भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और राहुल गांधी को जब पूछा गया कि इस, क्योंकि जब कन्विक्शन हो गया, कोर्ट शुरू हुई, कोर्ट ने तुरंत ही कहा कि इस मामले में आपको गिल्टी यहाँ पे कहा जा रहा है, और उसके बाद जब राहुल गांधी को गिल्टी को लेकर जब